गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फोर्थ चैप्टर ऑफ हिंदी लिटरेचर ऑफ क्लास सेकेंड. चैप्टर नेम इज़ और बुलाओ एक जना. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर, देन आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इट. पार्ट 4, नाम और बुलाओ एक जना. दादी जी ने बोया दाना, गाजर था पेड़ लगाना. दाने में से किल्ला फूटा, किल्ले से वह बन गया बूटा. दादी जी ने क्या बोया? एक दाना बोया खेत में, जिस उनको क्या करना था, उनको गाजर का पेड़ लगाना था. दाने में से जब उन्होंने दाना बोया तो उसमें से थोड़ी बीज अंकुर फूटा, फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा सा बूटा बन गया. थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी, गाजर हाथों हाथ बड़ी. सोचा तोड़ उसे अब लाऊं, हलवा गरम गरम पकाऊं. फिर दादी जी ने उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा, उसको अच्छी तरीके से खाद वगैरह सारी चीज़ें दी. फिर जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा गाजर, तब दादी जी ने सोचा कि अब उसे तोड़कर उसका गर्मा गर्म हलवा बनाकर खाया जाए. पकड़ी चोटी जोर लगाया, हाथ नहीं कुछ भी आया. नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना. फिर दादी जी ने जब गाजर का गाजर को उखाड़ने के लिए उसको पकड़ के खींचा तो उनसे वो नहीं निकला. काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वो उनसे नहीं निकला ज़मीन में से, तो उन्होंने कहा अब इसे निकालने के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा. तब दादी जी के हाथ बटाया, मिलकर पूरा जोर लगाया. नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना. तब फिर दादाजी आए और उन्होंने भी दादी जी का मदद किया उसको निकालने के लिए गाजर को ज़मीन से, बट उनसे भी वो नहीं निकला. तो दादी जी ने कहा अब एक किसी और को बुलाया जाए. तब दादी जी का पोता आया, मिलकर उसने जोर लगाया. नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना. फिर उसके बाद उनका पोता, दादा दादी का पोता भी आ जाता है, वो भी उनके साथ मिलकर उस गाजर को खींचता है निकालने के लिए, पर तब भी वो गाजर बाहर नहीं आता है. तब दादी जी का कुत्ता आया, हाँक हाँक कर जोर लगाया. नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना. फिर उसके बाद उनका पालतू जो कुत्ता था वो भी आ गया, और वो भी अपना मदद लगाता है, पर फिर भी वह गाजर ज़मीन से बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है. तब दादी जी की आई बिल्ली, सुनकर सबकी चीखा चिल्ली. सबने मिलकर जोर लगाया, गाजर को उखाड़ तक पाया. फिर उनकी बिल्ली आती है, जो उन्होंने बिल्ली को पाल रखा था, आवाज़ इतना सुनती है कि वो भी मदद करने के लिए चली आती है. तो जब वो भी जोर लगाती है, तब मिलकर वो लोग गाजर को क्या उखाड़ लेते हैं, पांचों लोग मिलकर. एक अकेला करना पाया, सबने मिलकर हाथ बटाया. मेल जोल में ताकत है, दादी ने तब समझाया. तो जब वो अकेली थी और यह काम करने की कोशिश कर रही थी तो उनसे नहीं हुआ, जब उनकी मदद के लिए इतने सारे लोग आ गए तो वह काम उनसे आसानी से हो गया. तो इसका मतलब फिर दादी जी ने उनको समझाया कि अगर हम कोई भी काम मिलजुल कर करें तो वह काम बन जाता है. सो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का मदद हाथ बटाना चाहिए. इससे काम और आसान हो जाता है और सहज हो जाता है.